हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तौकीर है और आप देख रहे हैं OSABT। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है कि जब आप अपने राउटर को TFTP सर्वर के थ्रू जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो बाज दोस्तों को एक TFTP का एरर आता है, जो कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस के ऊपर एरर आता है और वह आपको TFTP का एरर शो करता है। जैसे मेरे पास एक राउटर लगा हुआ है, इस राउटर को मैं TFTP सर्वर के साथ जैसे ही मुंसलिक करता हूं तो मुझे एक एरर आता है। यहां पे वो आपको कहता है एरर ओपनिंग TFTP एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस देता है और आगे सिस्को की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स देता है। तो इस एरर को आज मैं आपको रिजॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आने वाले जो चैनल पर नए मेहमान हैं उनसे गुजारिश है कि काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। ये एरर जो है सिस्को के iOS के अंदर बाय डिफॉल्ट बिल्टन तौर पे एक फीचर इनेबल कर दिया जाता है। सिस्को की एक कॉन्फ़िगरेशन सर्विस है, जो कि ये सर्विस जब भी TFTP सर्वर लगता है तो ये एक्टिव हो जाती है, जो करती ये है कि अपने आप को ऐसा समझती है कि इसकी कुछ फाइल्स TFTP सर्वर के ऊपर पड़ी हुई हैं और ये बैकएंड पे उन फाइल्स को TFTP सर्वर से डाउनलोड करने की कोशिश करती है। चूंकि TFTP सर्वर पर हमने कोई फाइल्स रखी नहीं होती तो ये सर्विस रन होने की वजह से बैकएंड पे डाउनलोड करने की कोशिश करती है और ये एरर जनरेट कर देती है। जिसका मतलब ये कि वो ये कहना चाह रही है ये सर्विस कि मैं कुछ फाइलें डाउनलोड करना चाह रही हूँ लेकिन मैं डाउनलोड नहीं कर पा रही, तो जस्ट हमें जाके इस सर्विस को बंद करना है। हम जैसे ही सर्विस को बंद करेंगे हमारे सामने से ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा। तो मैं आज आपको तरीका बताता हूं किस तरीके से आप इस सर्विस को बंद कर सकते हैं। सो उस मकसद के लिए मैं सबसे पहले कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाऊंगा और यहां पर जाके मैं टाइप करूंगा नो सर्विस कॉन्फ़िग। जस्ट आपने ये लिख के एंटर करना है। जैसे ही लिख कर एंटर करेंगे तो बैकएंड के ऊपर ये जो आपकी सर्विस रन हो रही है ये सर्विस रन होना बंद हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं कमांड लिखूंगा तो ये तो मेरी कमांड, चूंकि मेरा जैसे राउटर रीस्टार्ट होगा तो ये कमांड फ्लश हो जाएगी, यानी कि ये रैम में सेव है। और जैसे ही रीस्टार्ट होने के बाद दोबारा से मेरा TFTP सर्वर कभी दोबारा कनेक्ट हुआ तो ये फिर से मुझे एरर जनरेट करना शुरू कर देगा। तो इसके लिए सिंपल आपको कॉपी करनी है अपनी रनिंग कॉन्फ़िग को स्टार्टअप कॉन्फ़िग के अंदर, ये आपको लाजमी करना है। जैसे ही आप इसको कॉपी कर देंगे, कॉपी करने के बाद आपकी ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आपकी एनवी रैम के अंदर सेव हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये ट्यूटोरियल बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।